दोस्तों ठंड का महीना चल रहा है, यानी पूस का महीना है। कड़ाके का ठंड पड़ रहा है, लेकिन इस मौसम में भी बीच बीच में धूप निकलता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज धूप निकला हुआ है और मौसम बिल्कुल साफ है। तो पूरी रूप से बाड़े का सफाई कर दिया गया है। धूप जब निकले तो उसका पूरा फायदा उठाएं। जितना जो सूती के बोरे बच्चों को ढकने के लिए, यानी नीचे बिछाकर जाली पे ये बोरा, मैं सूती का बोरा रखता हूँ और उसके ऊपर बच्चे रखकर मैं ढक देता हूँ। तो ये सूती के बोरे सुखा लें और ये थोड़ा मात्रा में नहीं, बहुत ज़्यादा मात्रा में बाड़े में रखने होंगे, क्योंकि जब ठंड कड़ाके का पड़ेगा, ओस पड़ेंगे तो धूप कई दिन नहीं निकलेगा और आपका ये बोरे सूखेंगे नहीं। और बच्चे को यदि आप वैसे ही ढक देते हैं या नीचे रख देते हैं तो निमोनिया का शिकायत होगा, बहुत प्रॉब्लम हो जाएंगे। तो बोरा मैं ज़्यादा संख्या में ही रखता हूँ, जूट का बोरा। और देखिए सबको सुखा दिया गया है और 10 दिन भी अब धूप नहीं निकलेगा तो मैं संभाल लूँगा, इतना मैं बोरिया रखता हूँ। और अगर यदि कुछ ज़्यादा दिन धूप नहीं निकल रहा है और इन्हें सुखाना है तो इसका तरीका मैं अपनाता हूँ, जो कि वीडियो में मैंने दिखाया है आगे के वीडियो में। और आगे भी वीडियो पूरा सीजन में बनाता रहूँगा, जिसमें आप देख पाएंगे। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्हें कड़ाके के ठंड में बाहर नहीं निकाला जाता है, ये अंदर के एरिया में बनाया गया है जहाँ ये रहते हैं। लेकिन आज धूप निकला हुआ है तो इन्हें मैं बाहर निकाला हूँ। और आपको बता दूँ कि आज कई दिनों के बाद ये धूप का दर्शन हुआ है तो मैंने इन्हें निकाला हूँ, यानी ये कह सकते हैं कि 1 हफ्ते के बाद मैं बच्चे को बाहर लाया हूँ। तो धूप में बच्चों को रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि धूप से मिलने वाले जो चीज़ें हैं, आप खुद समझदार हैं। मैं कुछ बोलूँगा तो आप बहुत सारी तरह के बात बोलेंगे कि ये मिलता है, वो मिलता है। बस मैं ये कहूँगा कि बहुत कुछ मिलता है धूप से। एक टेम्परेचर भी बन जाता है, शरीर का एनर्जी मिल जाता है, बहुत सारे तत्व मिल जाते हैं। तो धूप में निकालना बहुत ज़रूरी है। और अपने हाथ में मौसम नहीं होता तो जिस दिन धूप निकले बच्चे को निकालें, और धूप ना रहे तो बच्चे को बाहर आपको नहीं लाने हैं। बड़ी बकरियाँ तो किसी भी तरीक़ा से सर्वाइव कर जाती है, लेकिन छोटे बच्चे को परेशानी होता है। तो छोटे बच्चे को धूप हो तो ही बाहर निकाले, अन्यथा अंदर के एरिया में ही रखें। उसमें 100 वाट का 200 वाट का बॉल वगैरह जला दें, उसी में बच्चे रहेंगे। यानी अंदर के एरिया में जहां ठंडा हवा ना जाता हो, और अंदर हो या बाहर हो, जब भी बच्चे को रखें ज़मीन से ऊंचाई पे रखें। जैसा ये देख रहे हैं कि मैंने ज़मीन से 2.5 फीट ऊँचा पे एक केज बनाया है, जिसमें बच्चे हैं और बिल्कुल साफ़ सुथरे बच्चे हैं। कहीं से आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा, कि मैंने कहीं से भी आपको नहीं लग रहा होगा कि कोई बच्चा गंदा है। बिल्कुल फ्रेश बच्चे हैं और कहीं से किन्हीं को दस्त वगैरह नहीं है, स्वस्थ हैं। इतना बच्चों में आप किसी को दस्त नहीं देख सकते, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सबका पिछवाड़ा मैंने धो दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। सभी छोटे बच्चे हैं और सभी बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो इसके पीछे एक ही कारण है कि बाड़े का जो इन्फेक्टेड मिट्टी है, इसे ये नहीं चाट पा रहे हैं, इन्हें ऊँचा रखा गया है। क्योंकि बकरी फार्म में कितना भी आप सफाई रखते हैं तो एरिया गंदा हो ही जाता है। तो ऊपर ऊंचाई पे रखें, यानी ज़मीन के संपर्क में न रखें। ये छोटे जो बच्चे हैं, इन्हें भी मैंने ज़मीन से ऊंचाई पे रखा है। इनका देखिए लगभग 8 से 9 इंच ऊंचाई पे बना हुआ है केज, जिसपे बच्चे हैं। और ये बिल्कुल ज़मीन से थोड़ा सा ऊंचा पे है, लेकिन ये चाट नहीं सकता, यानी धूल मिट्टी नहीं चाट सकता। इस तरीका से व्यवस्था किया गया है। तो जब तक बच्चे 20-21 दिन के नहीं हो जाएँ, इस तरीका से ही रखना चाहिए, ताकि आपके मेमने बचें। और दोस्त, जैसे मैं पहले ही भी बोल चुका हूं कि जो सीज़न होगा, सीज़न के अनुसार मैं वीडियो आप लोग के बीच में लाता रहूंगा, ताकि आप भी अपने फार्म में अपने छोटे छोटे मेमनों को बचा पाएँ और सुरक्षित बकरी पालन कर पाएँ। इससे जो बड़े बच्चे हैं, उधर उनका एरिया है, मैं लगभग 7-8 एरिया बना के रखता हूँ। ये सभी मादाएँ हैं जो भी पतली दुबली लग रही होंगी। सवेरे का टाइम है, इन्हें सूखा चारा दिया गया है। जिनको खाना है खा रही हैं, और जिनको नहीं खाना है वो आराम कर रही हैं। तो इस तरीका से बकरी पालन आप कर सकते हैं। और चूंकि ये बच्चों को जन्म दी हैं, यानी माँ बनी हैं, इन्हीं सभी मादाओं के बच्चे आप जो देख पा रहे हैं केज में, इन्हीं के बच्चे हैं। तो बच्चा देने के बाद बकरियाँ ढल सी जाती है। जब ये गर्भ धारण करेगी तो फिर से हिस्ट पुष्ट लगेगी। ऐसे ही होती हैं मादाएँ, जब पेट में बच्चा रहता है तो स्वस्थ लगती है, हेल्दी लगती है। पेट से बच्चा बाहर आ जाता है तो बिल्कुल पतली दुबली लगने लगती है, लेकिन सभी बकरियाँ स्वस्थ हैं। ये प्रक्रिया इनका है कि बच्चा देने के बाद इस टाइप की हो जाती हैं। अभी थोड़ा देर पहले इन बच्चों को पिलाया गया है और अभी सब खाने में लगी हुई है। तो छोटे बच्चों को आपने देखा कि धूप लगा तो मैंने निकाल के रखा है, और ऊपर बोरियों को मैंने सूखने के लिए रख दिया है, यानी मौसम का फ़ायदा उठाया जा रहा है। और इधर उससे पहले के बच्चे हैं जो इधर हैं, इन्हें बिल्कुल नीचे आप रख सकते हैं, और जो बकरियों को खिलाते हैं वो खिला सकते हैं। बस एरिया अलग रखना है। ताकि बड़ी बकरियां इन्हें मारे ना, क्योंकि अभी ये 5-6 महीने के बच्चे हैं तो बड़ी बकरियां इनको मार सकती है, चोट पहुंचा सकती है और जिससे कि आपको नुकसान होगा। तो सभी का एरिया ब्लॉक बाय ब्लॉक अलग बनाएं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये अंदर बाहर का एरिया जो आप देख पा रहे हैं ये बाहर का एरिया है, इसमें ये लोग रहते हैं और ये बीच का एरिया है जिसमें अगर मौसम बहुत ज़्यादा है तो मैं इनको खिलाता हूँ, और वो अंदर का एरिया है जहाँ ये रात में रहते हैं। तो इसी तरीक़ा से ब्लॉक बाय ब्लॉक पूरे बाड़े में बनाया गया है, 3 ब्लॉक में बनाया गया है, यानी 3 भाग में पूरे बाड़ा को बनाया गया है। और लकड़ी का तख्ता आप जो देख रहे हैं सफाई करते समय उठा दिया गया है, रात में जब बकरियां अंदर जाएगी तो तख्ता को फिर से नीचे कर दिया जाएगा। पालन में यदि आप व्यवस्था सही रखते हैं और जानकारी आपको है तो बकरी पालन बहुत ही आसान होने वाला है। ठंड के दिनों में सफाई बहुत ज़्यादा करें, जितना आपसे हो सकता है उतना करें। हालांकि मैं भी पूरा प्रयास करता हूं सफाई करने का, तभी बकरियों को स्वस्थ बचा पाता हूं, क्योंकि गर्मी के दिन में जो मैगनी बकरी करती है वो सूख जाता है, लेकिन ठंड के दिनों में चूँकि टेम्परेचर डाउन होता है तो जल्दी ये सूखते नहीं है। यदि आप समय से सफाई नहीं करते हैं तो इनमें फंगस लगेगा और बच्चे आपके बीमार होना शुरू हो जाएंगे। तो बच्चे को ज़मीन से ऊंचाई पे रखें, कितना भी सफाई करेंगे तो इन्फेक्टेड रहता है एरिया। तो सफाई पर फोकस पूरा करें और बिल्कुल बाड़ा ऐसा बनाएं जिसमें हवा का आना जाना हो, आदान प्रदान हो। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि इधर मैंने जो ये तिरपाल लगा के रखा है, ये जो देख रहे होंगे ये पीला पीला सा तिरपाल, ये रात में इन्हें नीचे कर दिया जाता है ताकि बाहर का जो ठंडा हवा है डायरेक्ट अंदर ना जाए, ओस वगैरह अंदर ना जाए। लेकिन फिर भी पूरी रूप से बाड़ा को कवर नहीं किया जाता है, ऊपर का जो एरिया ये सब आप देख रहे हैं इससे हवा आता जाता है ताकि हवा का आदान प्रदान होता रहे और अंदर कोई ऐसा गैस ना बन पाए जिससे बकरियों का मोटिलिटी हो। बहुत सारे मित्र मेरे ऐसे करते हैं कि बकरियों को या छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा कवर कर देते हैं, यानी बहुत ज़्यादा कवर करने की वजह से क्या होता है कि जो बच्चे या बकरियां पेशाब अंदर करते हैं उनका गैस अंदर ही रह जाता है और अमोनिया गैस जो होता है पेशाब द्वारा तैयार होता है वो फिर से श्वसन क्रिया द्वारा मेमनों को बकरियों श्वसन क्रिया द्वारा उनके अंदर चला जाता है, जिससे बकरियों को निमोनिया होता है। बहुत प्रकार का समस्या का सामना करना पड़ता है। अगर बकरी एक बार कमज़ोर हो गई तो फिर बीमारियों का खजाना हो जाएगा। तो बकरी पालन में दवाओं को जानने से ज़्यादा ज़रूरी है कि रख रखाव यदि जानते हैं तो दवाओं का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, अन्यथा आप दवा लेके घूमते रहेंगे। एक बकरी बीमार होगी उसे ठीक करेंगे, तब तक दूसरी बकरी बीमार हो जाएगी, आप कितना कर पाएंगे। तो सुरक्षा ज़रूर अपनाएं। दवाओं के बारे में जानने के लिए भी लंबे लंबे वीडियो मैंने यूट्यूब पर पहले भी अपलोड किए हैं, 550 से ज़्यादा वीडियो मैंने चैनल पे अपलोड किया है और सभी में जानकारी है। यदि चाहते हैं कि सफलतापूर्वक बकरी पालन करें और आपका कोई सहायता मैं कर पाऊँ वीडियो माध्यम से ही सही, तो आप मेरे चैनल पर जाकर टोटल वीडियो देखें। यदि आप नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो देखें। ईमानदारी से मैंने वीडियो बनाया है, लंबा संघर्ष का रहा है मेरा रास्ता और जो भी मैंने दिखाया है वो करके दिखाया है। ऐसा नहीं है कि बोर्ड पे मैं खड़ा होकर सिर्फ बताया हूँ, जो भी किया हूँ वो सामने से करके दिखाया हूँ, क्योंकि बोर्ड पे बकरी पालन को फेल कर देना आसान है, गणित समझाकर। करने वाले पे निर्भर करता है कि बकरी पालन में कितना सफलता है और किस तरीका से किया गया, किस बिंदुओं पर सोचा गया तो सफलता मिला है। बोर्ड पर स्ट्रक्चर बनाकर ग्राफ बनाकर समझाने से बकरी पालन फेल या पास नहीं होता। डिपेंड ये करता है कि आपने इसमें कितना मेहनत किया है और कितना जानकारी किया है। तो धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। इसी तरीका से वीडियो आप लोग के बीच में लाता रहूँगा। नमस्कार, प्रणाम।